नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करूंगा शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इजेकुलेशन के बारे में। ये क्या होता है और इसके लिए घरेलू नुस्खा क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा प्रीमैच्योर इजेकुलेशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का मतलब है, प्रीमैच्योर का मतलब होता है जो मैच्योर नहीं होने से पहले ही, और इजेकुलेशन का मतलब होता है निकलना, कोई वेग से निकल रहे हैं उसको इजेकुलेशन कहा जाता है। तो होता ये है कि जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जब आप संभोग करते हैं, तो उस समय पुरुष का जो स्पर्म होते हैं वो मतलब समय से पहले ही निकल जाते हैं। फर्स्ट जो एक मिनट होता है उससे पहले ही अगर स्पर्म इजेकुलेट हो जाए तो उसको बोला जाता है प्रीमैच्योर इजेकुलेशन। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं है जितना लोग समझते हैं। प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का मतलब ये होता है, अगर आपका एक मिनट से पहले ही अगर आपका स्पर्म निकल जाता है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर सेटिस्फाई है और आप सेटिस्फाई हैं और आपका स्पर्म जो है एक मिनट से पहले ही निकल रहा है, तो इसमें आपको इलाज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इलाज आप इसीलिए ले रहे हैं कि आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आपको इलाज देने की ज़रूरत है। आशा करता हूं कि आप जो है समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। प्रॉब्लम तभी होती है जब आप खुद जो दोनों जो हैं पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अभी बात करूँगा कि ये जो है होता क्यों है। देखिए दोस्तों, इसके होने के कारण ये है कि एक तो आपका माइंड के ऊपर जो कंट्रोल जो होता है वो आपका नहीं है, तो उससे जो आपका हो सकता है, या फिर जो है आप बहुत ज़्यादा जो है एडल्ट मूवी वगैरह देखते हैं तो उससे जो है आपका हो सकता है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेट आप कर रहे हैं उससे हो सकता है, या फिर जो आपका ब्लड फ्लो जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है आपके जननांगों पर, तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम आपको जो है फेस करनी पड़ती हैं। बात करता हूँ इसके नुस्खे की, इसका नुस्खा क्या है। तो नुस्खे में आपको तीन चीज़ें लेनी होती हैं। आपको लेना होता है इलायची, इसबगोल और आंवले का रस। इसबगोल आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा, मेडिकल की शॉप पे या किराने की शॉप पे मिल जाता है। आपको जो है इलायची जो है किराने की शॉप पे मिल जाती हैं। आपको आंवला का रस जो है आप पतंजलि का आंवले का रस ले सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा किसी भी पतंजलि स्टोर में या किराने की शॉप पर भी मिल जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आप लेके आइए, इसबगोल और जो आपके इलायची हैं, छोटी वाली इलायची जो आप चाय में डालते हैं, वो इलायची की बात कर रहा हूँ मैं। इसबगोल इलायची को रात को भिगो दीजिए, इससे क्या होगा इसबगोल जो है फूल जाएगा। सुबह दोस्तों आप इसबगोल को उसमें से निकालिए, उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा जो है आंवले का रस मिला लीजिए। अभी देखिए दोस्तों, क्वांटिटी की मैं अगर बात करूँ तो इसबगोल जो है आप दो चम्मच मिला रहे हैं तो एक चम्मच जो है आंवला मिला सकते हैं। वो क्वांटिटी आपके ऊपर है कि आपको कितना बनाना है ये नुस्खा, तो उसके ऊपर जो है आप कर सकते हैं। मतलब दो चम्मच आप इसबगोल ले रहे हैं तो उसका आधा जो है आपको आंवले का रस डालना है। और इलायची की मैं बात करूं तो चार से पांच इलायची होती हैं, उसके आप जो है निकाल दीजिए। तो इसको जो है आप सुबह निकालेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा जो है आंवला डाल दीजिए। अब उसको जो है आप जैसे शेप देंगे उस शेप में जो है ये हो जाएगा, तो उसकी जो है आप गोलियाँ बना लीजिए। अब इस गोली को जो है दोस्तों आपको सुबह शाम इसका सेवन करना है पानी के साथ, दूध के साथ इसका सेवन मत करिए, क्योंकि आंवला जो है थोड़ा खट्टा होता है और दूध के साथ जो है सेट नहीं रहेगा आपके। तो इसको जो है आप पानी के साथ सुबह खाली पेट और शाम को जो है सोते टाइम इसका सेवन करिए, आपको डेफिनेटली जो है आपकी इस प्रॉब्लम का प्रीमैच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन की जो प्रॉब्लम है उसका जो है सॉल्यूशन आपके 100% हो जाएगा। तो ये नुस्खा ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कितना फ़ायदा होता है। मिलता हूँ मैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।